इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो है 3x² प्लस 2x माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास पहली टाइप की रेडिकल इक्वेशन है जिसमें हमारे पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर पे स्क्वायर रूट होता है, और इनमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो या तो सेम होते हैं या एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल होते हैं। इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वो वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिस पे स्क्वायर रूट होता है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेते हैं। यहां पे 3x² प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट जो है इसको मैं y के इक्वल पुट कर लेता हूं, और उस नए वेरिएबल की टर्म में दूसरे क्वाड्रेटिक फैक्टर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। सो पहले इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और 3x² प्लस 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे y माइनस 3 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, इधर y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये जो हमारे पास नई वैल्यूज आई हैं y की, ये एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हैं जिसको हमने y के इक्वल पुट किया था। सो एक्चुअली 3x² प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। ये 3 के इक्वल भी होगा और माइनस 2 के इक्वल भी होगा। पहले हम इसको 3 के लिए सॉल्व करते हैं। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, और 3x² प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। जब हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 4, सॉरी दिस विल बिकम माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 120 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस 31 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। सिमिलरली जब हमारे पास 3x² प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू होगा माइनस 2 के, हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और 3x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लें तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी,
x is equal to 1 and x is equal to minus 5 by 3. अब x की हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई, लेकिन हम इनको पुट करके चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. जब हम इसको पुट करके चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें से जो हमारे पास 1 और माइनस 5 बाई 3 हैं, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते और सिर्फ माइनस 1 प्लस माइनस 31 स्क्वायर रूट बाई 3 जो है ये इसको सेटिस्फाई करता है. सो इस इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो होगा वो होगा माइनस 1 प्लस माइनस 31 स्क्वायर रूट बाय 3. आप खुद इसको चेक करके पुट करके चेक करेंगे कि इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. देन इज दी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दी गई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट. पहले हम इस 2 को खत्म करेंगे. इस 2 को खत्म करने के लिए सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 6 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट. देन हम इन सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 6 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 14 इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास टाइप 1 की इक्वेशन आ गई. इसको हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि हम इस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 को y के इक्वल पुट करेंगे. 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट जो है इसको y के इक्वल पुट करेंगे और इस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स की, जो कि हमारे पास आएगी y स्क्वायर माइनस 2. ये जो वैल्यूज हैं ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. जब हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. इसको जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी. y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 8. ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली हमारे पास होंगी इसकी, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, क्योंकि हमने इसको y के इक्वल पुट किया. सो पहले हम इसको 2 के इक्वल पुट करते हैं. 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2. इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2. देन उसके बाद हम इसको माइनस 8 के इक्वल पुट करेंगे. दैट इज 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 8. स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 64.
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 505 स्क्वायर रूट बाय 4। जब आप चेक करेंगे इनको पुट करके तो आप देखेंगे कि इनमें से जो हमारे पास है वो माइनस 1 बाय 2 और 2 जो हैं वो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ये जो है 3 प्लस माइनस 505 स्क्वायर रूट बाय 4 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो द सॉल्यूशन सेट इज 2 एंड माइनस 1 बाय 2। वो सारे स्टेप जो मैंने नहीं किए वो आप खुद करेंगे और चेक करेंगे कि वाकई ये आंसर आते हैं या नहीं। देन इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स के ऊपर स्क्वायर रूट है और उनका सम या डिफरेंस जो है वो किसी तीसरे या तो लीनियर फैक्टर के इक्वल हो सकता है या किसी कांस्टेंट के इक्वल हो सकता है। ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस की दूसरी टाइप है और इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं। जब हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 8 प्लस x प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 8 इंटू x प्लस 5 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2x प्लस 8 इंटू x प्लस 5 स्क्वायर रूट। इसका हम दोबारा स्क्वायर लेंगे, जब हम इसका दोबारा स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 216x प्लस 1296 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 8 इंटू x प्लस 5। इसको हम सॉल्व करके और सबको एक साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x स्क्वायर माइनस 288x प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। जो x की हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो हैं x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 284। हम इन दोनों वैल्यूज को चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी जो है ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और कौन सी नहीं करती। जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 4 है ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और 284 जो है ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो द 4 इज द ओनली सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इज 4। आप खुद इन सारे स्टेप्स को चेक करेंगे। देन इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 प्लस 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट। ये बिल्कुल उसी टाइप की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रेडिकल इक्वेशंस टाइप 2। इसको सॉल्व करने के लिए भी दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2x माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट। इसको जब हम
सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट। सिंपली हमने लाइक टर्म्स को एक साइड पे ले जाना है, देन उसके बाद इसका हम दोबारा स्क्वायर लेंगे। जब दोबारा स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 2x माइनस 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 32x माइनस 64। सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 20 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 4। अब हम इन दोनों वैल्यूज को चेक करेंगे कि ये दोनों हमारी इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या इनमें से कोई एक करती है। जब आप इनको चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। चेक करने के लिए सिंपली आपने दोनों इक्वेशंस में एक्स की जगह पे पहले 20 पुट कर देना है और अगर दोनों के दोनों साइड पे सेम आंसर आ रहा है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सोल्यूशन सेट है। फिर सिंपली एक्स की जगह पे 4 पुट कर देना है, सॉल्व करें, दोनों साइड पे सेम आंसर आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। आप जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि जो दोनों हैं ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो दोनों इसके सॉल्यूशन सेट हैं। सो द सॉल्यूशन सेट इज 20 एंड 4। देन इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है एक्स प्लस 7 स्क्वेयर रूट प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 6x प्लस 13 स्क्वेयर रूट। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वेयर लेंगे। जब दोनों साइड पे स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 6x प्लस 13। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर रूट। आप इसको खुद सिंप्लीफाई करें, लाइक टर्म्स को एक साइड पे ले आए, सम सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद कोई चीज कॉमन आ रही हो दोनों साइड पे तो कॉमन लेके उसको कैंसिल कर दें। उसके बाद हम इसका अगेन स्क्वेयर लेंगे। जब इसका अगेन स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 14। सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आएंगे और लाइक टर्म्स को सम या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन की जो बन जाएगी वो होगी 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 3x प्लस 5 एंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/3 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे पुट करके चेक करेंगे
कि कौन सी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो सॉल्यूशन सेट होगी, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो सॉल्यूशन सेट नहीं होगी। जब इन दोनों में से चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो -5/3 है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, और जो 2 है ये इसको सेटिस्फाई करता है। सो ओनली द सॉल्यूशन सेट इज 2।